छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में मंदिर के पास शराब दुकान खोली गई है। आपको बता दें कि जिस मकान में शराब की दुकान खुली है वह मकान कांग्रेस विधायक का है। जहां एक तरफ नियम की धज्जियां उड़ाते हुए दुकान खोली गई, तो वहीं दूसरी तरफ आश्चर्य करने वाली बात तो ये है कि दुकान को लेकर प्रशासन के आला अधिकारी भी चुप्पी साधे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आम जनमानस के विरोध और उग्र आंदोलन की चेतावनी के बाद शासन प्रशासन इस दुकान को लेकर क्या कार्रवाई करता है। यहाँ पर जो हमारे घरों के आसपास यानी कि जो शराब दुकान खुली वो बिल्कुल सही नहीं है। एक तो मेन रोड है, दूसरा जो बस स्टॉप है वहां से बच्चे बस में चढ़ते हैं, लड़कियां बस में स्कूलों के लिए जाती हैं, वो बहुत नजदीक है। अगल बगल में शनि मंदिर, शंकर भगवान की मंदिर और हनुमान मंदिर भी है, जबकि 100 मीटर की दूरी जहां पर हरिजन बस्ती है 100 मीटर की दूरी पर। हम कोरिया जिला के अंतर्गत आने वाला नगर पालिक निगम चिरमिरी में है। जैसे कि आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये अभी शराब की दुकान खोली गई है, महज 2-3 दिन हुआ है। ये शराब की दुकान जो कि यहाँ पर हरिजन बस्ती है, साथ बस स्टॉप है, शनि मंदिर होने के साथ मुख्य मार्ग भी है, शासन के छत्तीसगढ़ शासन के आबकारी एक्ट के नियमों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाते हुए इस दुकान को खोला गया है। जब इस संदर्भ में आम जनमानस की राय ली गई, जनमानस का भी यही कहना था कि कहीं न कहीं शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इस शराब की दुकान को खोला गया है। एक बात यहाँ पर कहना यह होगा कि शासन जिस प्रकार से शराब दुकान बंद करने के लिए या शराब बंदी के लिए जहाँ एक तरफ कदम उठा रही थी, वहीं पर दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि हवा हवाई सी बातें हो रही थी और बस्ती के अंदर मंदिर के पास में और बच्चों के जाने वाले बस स्टॉप के पास से यहाँ पर दुकानें खोली गई हैं, जो कि सरासर कहीं ना कहीं गलत है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता आखिर आक्रोशित है तो आगे क्या कार्रवाई शासन प्रशासन करता है। MKN न्यूज़ के लिए कोरिया से अविनाश चंद की रिपोर्ट।